और हाँ, तुम्हारी आंटी का फोन आया था, उन्होंने मुझे एक खुशखबरी सुनाई है, मगर तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती। क्या बच्चा? या खुशखबरी सुनाना नहीं चाहती? बच्चा, मैं बच्चा नहीं चाहती। देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना। अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया तुम्हें, तुम्हें पता है माँ का मकाम क्या होता है? ऐसा नहीं सोचना बेटा, बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं नहीं चाहती। अच्छा बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। माँ का दर्द जानना ना, तो शर्मीन से पूछो बेटा कि मुर्दा बच्ची पैदा होने के बाद वो कितने दुख और कर्ब में है। और तुम्हें तो अल्लाह पाक इतनी बड़ी नेमत दे रहा है, तुम उसका शुक्र अदा करो बेटा, ऐसे नहीं सोचते। जाओ आराम करो। डॉक्टर के पास चले? अरे नहीं, मैं अब ठीक हूँ। रात तक की दवाई पड़ी हुई है, वो लूंगी तो बुखार उतर जाएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो चंदा, तुम्हारे लिए मुर्गी की यखनी बना के लाई हूँ, इसे पी लो। इसे पियोगी तो कुवत आएगी, तो बुखार उतरेगा ना। वैसे चाची, पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया ईमान से, तुम ना होती तो क्या करती है बेचारी। वाकई अगर छन्नू चाची ना होती तो पता नहीं क्या करती मैं। अरे बेटा, पड़ोसी पे रिश्तेदारों से ज्यादा का हक होता है। अच्छा मिठू, तेरे लिए नाश्ता लेकर आऊं? नहीं चाची, मेरे लिए तो बस चाय ले आओ। जब से सुहैना जी बीमार हुई है, मेरी तो भूख प्यास ही मर गई है। आप मेरे साथ नाश्ता कर लेना। और क्या, माशाल्लाह अब तो कल से बहुत बेहतर है, वरना कल देखा बिल्कुल बेहोश पड़ी थी बुखार में। ले आओ फिर नाश्ता ले आओ। लो बेटा, तुम ये पियो। जबान की बुरी है मगर दिल की बहुत अच्छी है। सुहैना जी, एक बात कहूं आपसे, आपने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी आदतें, मुझे पूरे का पूरा बदल डाला। मैं जिंदगी में कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जितना जितना आपके लिए हुआ हूं। पूरी रात में सही से सो भी नहीं पाया, करवटे लिए जा रहा था। कितनी अजीब बात है ना, हम हालात से कितना घबरा रहे होते हैं, हालांकि हम ये नहीं जानते कि हमारे हालात हमें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। सही कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं। मैंने मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये जो सब हो गया। आप सुपिए ना, जल्दी सही हो जाएंगी। आप यखनी बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी होती है ये। आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, गर्मी बहुत थी मगर क्या करें, काम भी तो करना है। कमर में दर्द हो गया मगर ठीक हूँ, हो जाएगा सही। शाम को खालिद आएगा, इस्लामाबाद गया हुआ था, रात ही पहुंचा, खाना यहीं खाएगा। जी अच्छा। मुजम, सरबुलंद और शर्मीन की बच्ची की ताजियत नहीं की आपने, कम से कम आप। हाँ हाँ पता है, सिर्फ मैंने वो
मखसूस अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बाकी तो मैं घर पे ही था, कब्रिस्तान भी गया था मैं। मोहब्बत इजहार चाहती है, किसी इंसान की दुख और तकलीफ में अगर दो लफ्ज बोल दिए जाए तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं होता। अच्छा अच्छा बाबा, ये लेक्चर बंद करो। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, जो कहना है आप खुद कहें और जो सुनना चाहते हैं आप खुद सुनिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है मौजन कि मैं बोलूं और आप सुने? आप तो मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं है, मेरी बात सुनने से पहले आप बोल पड़ते हैं। आप सुने तो सही, मैं क्या कहना चाहती हूं। अभी कुछ कहना बाकी रह गया कुछ? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। शाम को आप आएंगे तो मैं उस वक्त आपसे। अच्छा भाई, शाम को आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ये अपनी हसरत भी पूरी कर लेना होगा, बाहर भी नहीं पड़ने दे। किस बात के 10 लाख रुपए मांग रही है तू? अपना हक मांग रही हूँ, मेरा हक पहले है, वो दो मुझे। अरे लानत भेजे सोना जी, मैंने कहा था ना आपको 1 रुपया नहीं देंगे, लोग देख लो उन लोगों को आज। नहीं मिठू, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। बड़े दौलतमंद बनते हो ना, अब क्यों रख के बैठे हो मेरे पैसे, दो मुझे। सर फिर से एड से असद चौधरी आए आपसे मुलाकात के लिए। हाँ भेज दो उन्हें अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए, बैठिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हुई होगी। नहीं, वो सर बुलंद ने मुझे बता दिया था कि आप मिलेंगे मुझसे। जी हाँ, वैसे आपकी अमानत आपको लौटाना थी। पुलिस में होने से एक आदत सी बन जाती है कि हम किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते। बहुत अच्छी आदत है। वैसे चेक कर लीजिए, यही सेट है आपका? जी यही है। अब आप मेरे कुछ सवालात का जवाब दें। जी फरमाइए। क्या किसी के ताल्लुकात पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो वो किसी भी बेगुनाह और बेकसूर शख्स के साथ जुल्म कर सकता है? वो नहीं, दरअसल वो वैसे उसे एसआई को हमने मुअत्तल कर दिया है क्योंकि वो आपके साथ इस साजिश में बराबर का मुलव्वस था। आप पर भी झूठा मुकदमा बनाने पर केस बन सकता है, मगर मैं चाहता हूँ कि तमाम मामलात इस कमरे में ही खत्म हो जाए। जी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि आपको ये सब करके शर्मिंदगी तो हुई होगी। I'm sorry. Good. वैसे जो कुछ हुआ उसका अंदाजा मुमकिन नहीं, मैंने बच्ची को देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि वो अंदर से टूट चुकी है। शायद आप उसे घर पे बेइज्जत करते तो उसकी इतनी तबाही ना होती। मैं दुआ करता हूँ कि वो सदमे से समझ जाए। उसकी जगह अपनी बेटी को रख के सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। आप भी ऐसा सोच कर देखें और फिर सोचें कि इसका ज़्यादा क्या हो सकता है। अच्छा आप मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। हाँ वलीद, अंदर आओ जरा।
अच्छी वाले बैठो। वलीद मुझे एक बलाश के लिए पे ऑर्डर बनवाना है 10 लाख रुपए का, आई मीन सुहैना के नाम। अभी सुहैना के लिए? हाँ, और ये चेक तुम्हारी माँ उसके पास लेकर जाएगी। ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये सुहैना को दे देना। ये आपने बहुत अच्छा किया, मैं सुहैना को दे दूंगी। अब बालाज को मालूम नहीं, मैं तेरा चेंज कर दूं, लॉन में चाय लगवा दूं। हाय, कहाँ जा रही है? अरे कहाँ रह गया? ओहो, इसके पास तो कोई और काम ही नहीं है। मनहूस वाली दफा। कमबख्त। हाय हाय कमबख्त, तू कहाँ आ गई? रुक रुक, कहाँ जा रही है? तुझे तो बताती हूँ, सभी दुश्मन हो रहे हैं, छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, बताती हूँ तुझे, एक एक दुश्मन को छोड़ूंगी नहीं, चुन चुन के मारूंगी कमबख्त को। जान अजाब कर रखी है इन लोगों ने। अरे बस कर जा भैया, कितनी हो गई है। आप जाएंगी वहां? क्यों, मैं नहीं जा सकती? नहीं, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि देखो बेटा, तुम्हारा वहां अकेले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। जो कुछ भी हो चुका है अब, उसके बाद मुझे लगता है मिट्टू को सब कुछ पता चल चुका होगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वालिद ने सुहैना के लिए 10 लाख रुपए कैसे दे दिए। मेरा मतलब है कि 10 लाख रुपए। कल ऑफिस जाओगे? जी जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप वली से कह दीजिएगा कि मेरे प्रोजेक्ट में दखल ना दे। कहा है मैंने उससे, मगर तुम तो जा ही नहीं रहे हो। क्या करता मैं जाके, मुझे तो लगने लगा था कि वो सब कुछ खुद करना चाहता है या आप ही उससे करवाना चाहते हैं। वो तीनों प्रोजेक्ट्स संभाल नहीं पाएगा। ये तो आपका ख्याल है ना,
खैर तुम्हारे बीबी का बहुत अफसोस हुआ है, शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था। अल्लाह तुम्हें औलाद दे और इस बार इंशाल्लाह बेटा होगा। मुझे बेटी की ख्वाहिश है वालिद, और अल्लाह इंशाल्लाह इस बार भी मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। हुआ क्या था, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि बस हार्ट की ग्रोथ नहीं हुई थी, वही बात है ना कि बस किस्मत में नहीं थी। चलो इस मर्तबा एहतियात करना, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना। जी फजूल बातें करती हो यार तुम। फजूल बातें नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने खुद सरबुलंद भाई को अंकल से बात करते हुए सुना है। सरबुलंद भाई अंकल से कह रहे थे कि वलीद को समझा दें कि वो मेरे काम में घुसना छोड़ दे। मैंने खुद अपने कानों से सुनी है ये बात। और क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि मेरे काम में क्यों घुसता है वो, अपने काम से काम क्यों नहीं रखता, सारे प्रोजेक्ट्स वो ही करना चाहता है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। कारोबारी बातें थी। अब इतनी कारोबारी बातें तो मुझे समझ में आती नहीं है, जितना समझ में आया सुन लिया और आपको बता दिया। उनका ना दिमाग खराब हो गया, जो प्रोजेक्ट वो लेना चाह रहे हैं वो मैं उनके हाथों तो कभी नहीं आने दूंगा। इतनी मेहनत की है मैंने यार। तो और क्या, वो तो चाहते ही हैं कि मेहनत आप करें और फल वो बैठ के खाएं, यही तो उनकी आदत है। बात सुने, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सरबुलंद भाई अंकल को पहले ही बहुत चढ़ा चुके हैं और अंकल उनकी बातों में आ भी गए, आ गए हैं वो। अब आपको ये सब कुछ संभालना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग खोलें, अपना ध्यान दें काम पर। चलो मैं देख लूंगा। अच्छा तुम जाओ, मुझे काम करने दो यार। वो मुझे ना आपसे बात करनी है। हाँ कहो। अब मुझे ना अम्मा के घर जाना है, अम्मा ना बहुत नाराज है मुझसे, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। चली जाना। चली जाना क्या मतलब चली जाना, मैं कैसे जाऊंगी? आप सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ेंगे वहां पर। अच्छा बाबा मैं छोड़ूंगा, अब मैं थोड़ा काम करूं। झूठ बोल रहे, मैंने नहीं किया कुछ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, ये झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे। वाले जी, वाले जी, छोड़ो, छोड़ो, वाले जी, क्या हुआ? ख्वाब देखा कोई? है? मैंने ख्वाब देखा था, बहुत डरावना ख्वाब। अरे पगली, ख्वाब तो ख्वाब होता है, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं, डरने की बात है। आपको तो इतना पसीना भी आ रहा है, कांप भी रही हैं आप। चल चलो चलो, हिम्मत पकड़ो, डॉक्टर के पास चलते। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे मैं बाहर जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा आप यहीं पर हिम्मत रख के बैठे, मैं चन्नो चाची को लेकर आता हूँ, उनको यहाँ छोड़ूंगा, फिर डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सही है, बैठे आप, बैठे बैठे।
चची 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 फिर आएगी कमबख्त मारा, पता नहीं इससे कब जान छूटेगी। चची अरे वो सहला की तबीयत और खराब हो गई है, जल्दी चलो मेरे साथ। मैं आती हूँ, तू चल जाओ उसे। चची सारे सवाल यही कर लोगी, चलो ना मेरे साथ। अच्छा अच्छा तू चल, मैं आ रही हूँ, जल्दी पहुँचो। मम्मी कब जान छूटेगी इस मनहूस से। रजिया रजिया कहाँ मर गई है रजिया। क्या बात है, क्यों चीख रही हो तुम? अम्मा के घर जाना है मुझे, वलीद से बोला था मुझे छोड़ दे, सुबह सुबह ऑफिस का काम आ गया, चले गए वो, अब गाड़ी नहीं है, कैसे जाऊं? गाड़ी तो घर पर नहीं है, शादी वगैरह लेकर गए। वो लोग कहाँ गए? वो लोग नाश्ता करने गए हैं और शादी बता रहा था हम घूम फिर कर आएंगे। पागलों के सिवा इतनी गर्मी में और कौन घूमने फिरने जाता है थी सुबह सुबह। तुम होश में तो हो? जरा बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो, और खबरदार आज के बाद उसको पागल कहा। जाने की तुम्हें इतनी जल्दी है ना, तो वलीद से कहो गाड़ी भिजवा दे, उसमें चली जाना। हाँ नहीं है गाड़ी घर पे, तुम्हारा पागल भाई घूमने गया है, गाड़ी भिजवा मुझे। जी जी बिल्कुल, देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इसका थोड़ा सा काम। शकुन साहब मैं आपको थोड़ी देर बात कॉल करूं। थैंक यू जी। तुमने मेरे कमरे से फाइल्स क्यों मंगाई? इसलिए क्योंकि अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है और मुझे प्रेजेंटेशन। वली तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम करो, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो दवाइयां आपको पहले दी थी वो दोबारा दे दीजिएगा। सही। भाई क्यों आई है तू यहाँ पर? हैं? अम्मा से मिलना है मुझे। नहीं है तेरी अम्मा, चलो शाबाश दबाओ उधर से। हर वक्त बकवास मत किया करो मिठू, मुझे सुहैना से मिलना है। क्यों मिलना है सुहैना से? क्या काम है मुझे बता दे, मैं करा देता हूँ काम। बता क्या काम है, बता मैं करा दे। मैं सुहैना से मिलके सिर्फ उसे ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अंकल ने मुझे कहा था कि सुहैना को बुलाओ, अंकल ने मुझे कहा कि वो उसको उसके हक मेहर के पैसे देंगे। मैंने उनके कहने पर सुहैना को बुलाया और जब वो वहां पर आई तो उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा के उसे पुलिस में। क्या क्या बकवास कर रही है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा? किसने पकड़वाया था उसको? सोना जी सोना जी। आप आ गई थी, उन्होंने आपको पुलिस में पकड़वा दिया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, छुपा के रखा मुझसे? तू बता क्या क्या था तुम लोगों ने इनके साथ, बता। मिठू मिठू मेरी बात सुनो, इसे छोड़ दे, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। जान से मार दूंगा इसे और उन सारे पकड़तों को भी जान से मार दूंगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। चली जाओ तुम यहाँ से, क्या जरूरत थी बकवास करने की यहाँ के? जरूरत बता दिया तूने, पड़ गए तेरे दिल में ठंडक, हो गया ना सकुन। तू यहाँ आई क्यों, क्यों आई है तू? मुझे बताओ क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ, और आप क्यों गई थी वहां पर? आप जानती नहीं इन बेगरतों को, आज आज मैं सबको जान से मार के खत्म कर दूंगा इनकी बेगरती, हमेशा के लिए जान से मार दूंगा। मिठू मिठू मिल गया सकुन ना तुझे,
चल निकल, दफा हो जा यहाँ से। नहीं मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे मार दूंगा, छोड़ दे वरना मैं खुद तुझे कर लूंगी। मेरे हाथ हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरी इज्जत को लगा ले, ताला पहुंचा दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या किया था मैंने? मिट्टू बेटा देख रहे, तू नहीं वो लोग है, मेरी ये गलती है, मैंने तुझसे छुपाया है। और सोना को भी मैंने ही मना किया था, ये बेगरत मेरी औलाद है मिट्टू। लेकिन बेटा तू काम मत जा, तुझे जो कहना है मुझे कह ले, लेकिन वहां नहीं जा बेटा। तो क्या करूं, यही बैठा रहूं? अगर पता होता ना उस वक्त जब वो आया था मेरे घर, जिंदा गाड़ देता जमीन के अंदर उसी वक्त, गन से मार देता उसे। मुझे माफ कर दे मिट्टू, मेरी ही गलती है। आपके मना करने के बावजूद मैं उन लोगों के घर गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया आपने ऐसा? क्या कसूर था मेरा? मेहनत तो करता हूं ना मैं, इज्जत की रोटी तो खिला रहा था आपको। क्यों लिए पैसे आपने उन लोगों से, क्यों लिए? ऐसी बात नहीं है मिट्टू, मैं सिर्फ उन पे अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी। आपको आपको बंद कर दिया था उन लोगों ने? नहीं, मैं बस कुछ ही घंटे थी वहां पे, फिर सरबुलंद भाई और वलीद भाई आए थे। क्यों पकड़वाया था उन लोगों ने आपको? क्या किया था आपने? इसलिए नहीं बेटा, ये तो उस बुड्ढे ने इस पे झूठा इल्जाम लगाया था कि ये चोरी की नियत से आई है। ये तो उसके बेटे सारे जाके ऐसे तो साहब को बताया कि हमारे बाप ने इस पे झूठा इल्जाम लगाया। ऐसे तो साहब एक आदमी था, वो फौरन समझ गया था कि ये बच्ची ऐसी नहीं है, उसको इज्जत से भेज दिया। बेटा मैं वहां पे मौजूद थी, जैसे मुझे पता चला ना मैं फौरन पहुंच गई थी। बस बेटा खत्म करते, अगर तुझे कुछ हो गया तो देख देख सोना का क्या होगा, कौन रखेगा इसका ख्याल बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझे क्या जरूरत थी बकवास करने की कमी नहीं? अम्मा, मुझे क्या पता था कि तो पता करने की कोशिश करती, अरे मेरा इंतजार तो करती, आई थी माफी मांगने। तुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ऐसा मत कहो अम्मा, अभी जो हंगामा होगा ना वो भी तेरे सर पड़ेगा। बालाज को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, अरे कम वक्त मुझसे कुछ पूछ तो लेती। किया था मैंने तुम्हें फोन, एक दफा नहीं बहुत बार किया था, मगर तुमने भी मेरा फोन नहीं उठाया। मुंह फुला के बैठी थी ना मुझसे? हाँ फुला के बैठी थी मैं मुंह, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे घर आए। अम्मा नहीं आऊंगी तुम्हारे घर तो तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी? सुकून से जिंदगी गुजारूंगी, तो खुदा के वास्ते जाके अपना घर बैठ और सुधर जा, इससे पहले ना कि लोग तुझे आके बातें सुनाए। कुछ चाहिए? चाय बना दूं? नहीं जल्दी दे रहा। कभी हमारे हाथ की भी चाय पी ले। आप बैठे मैं देख कर आ रहा हूं। कौन है भाई, कौन है? आ रहा हूं।
जी सुहैना है। क्यों? वो मैं इनकी तबीयत खराब है, जो कहना है यही कहते हैं। ये तुम्हारा हार्ट मेयर का चेक है। हो सके तो हमें माफ कर देना। ठीक है, ये तो हो गया, और कोई काम? चलिए क्यों लिए पैसे? क्यों ना लूं? मेरे पैसे हैं, उनके नहीं। और अच्छा किया आपने जो उनको अंदर नहीं आने दिया। वैसे कितने बड़े ढीठ लोग हैं। बलाज को देखो, वो भी आ गया था मुंह उठा के। कितना बड़ा बैगर है, हद हो गई यार ईमान से। चलें छोड़ें, हमारा काम हो गया ना, अब हमें उनसे कुछ नहीं लेना था ना। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बना कर आता हूँ। बहस मैं नहीं, आप कर रहे हैं। जब घर पे बैठे हुए थे तब इस प्रोजेक्ट का ख्याल नहीं आया आपको? मैं घर बैठकर तफरी नहीं कर रहा था वलीद, शर्मीन की हालत की वजह से मुझे घर पर ही रहना था। अच्छा, हमारी तो जैसे कभी हालत खराब ही नहीं, या फिर हम तो जैसे ऐसी हालत से कभी गुजरे ही नहीं। आपने कभी देखा है कि ये मेरे पल्लू से पन के बैठ जाए ऐसी हालत में? बस कर दो, खामोश हो जाओ। तुम चुप करो नकवा। क्यों चुप करे, घर से बाहर होती है वो, पड़ोसी है वो। बकवास बंद करो वलीद। क्यों, ऐसा क्या कहते हैं मैंने गलत? सही तो कहा है। आपने कभी देखा इन्हें मेरे साथ यूं पल्लू से बंधे हुए, या कब थे ये मेरे साथ? ये तो तुम्हारे पास शादी के दिन भी नहीं था। अच्छा बस बस, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं। बस कर दो, खामोश हो जाओ तुम लोग। देख रही हैं आप इसे, या तो ये घर में नहीं जानता था और अब घर और ऑफिस के हर मामले में दखल देने लगा। हाँ तो अकल आ गई है ना मुझमें, एहसास हो गया कि खाली हाथ रहूंगा अगर कोई काम नहीं किया मैंने। आपकी तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैं एक बच्चे का बाप हूँ, घर संभालना है मुझे। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ, क्या हो गया तुम लोगों को? से पहले तो मैंने तुम लोगों को कभी ऐसे ताने देते नहीं सुना। मैं क्यों खामोश रहूं, इनको चुप कराइए ना। क्यों, क्या आसमान से उतरे हुए हो? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो वलीद, अपनी हद में रहो, समझे तुम? मेरी क्या हद है वो मैं खुद तय करूं, आप नहीं। तुम होश में रहो वरना। बस बस कर दो, खामोश हो जाओ तुम लोग। अब इन्हें नहीं रोकेंगी ना, नहीं रोक सकती यहाँ पे। शट अप, दिमाग खराब है इस लड़की का। ये जाहिल लड़की इस घर में झगड़े करवाती फिरती है। मैं जाहिल नहीं हूँ, जाहिल आपकी बीवी है। अच्छा बस तुम चुप तो करो यार। नजर नहीं आ रहा आपको, अब नजर आएगा भी कैसे आपको? आप तो आप बस यू
ठाट से, यूं बल्कि हाथ बांध के ठाट से खड़ी होंगी, क्योंकि आपको सिर्फ ये नजर आते, ये लोग नजर नहीं आते।